अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कायमा और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक जबरदस्त सी वीडियो जो कि है स्ट्रेटनर के बारे में। और स्ट्रेटनर जो है वो खरीदते वक्त मार्केट में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा स्ट्रेटनर खरीदें। बहुत सारे स्ट्रेटनर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन रेंज कि आप कितनी रेंज के अंदर स्ट्रेटनर चाहते हैं। अगर आप एक अफोर्डेबल स्ट्रेटनर चाहते हैं जो कि एक अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का स्ट्रेटनर नहीं लेते हैं तो वो आपके बालों को डेफिनेटली जो है वो डैमेज कर देगा परमानेंटली। तो हमेशा जो है स्ट्रेटनर पे इन्वेस्ट कीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। और ऐसा कोई स्ट्रेटनर नहीं खरीदे जो कि बहुत लोकल सा मिलता हो और वो आपके बालों को कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आज मैं जिस स्ट्रेटनर की बात कर रही हूँ वो अफोर्डेबल है, इस सेंस में कि आप बहुत ज़्यादा हाई एंड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, इन बिटवीन आता है और आप उसको ले सकते हैं। तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा स्ट्रेटनर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। रिमिल की तरफ से और इसकी इसमें आता है कार्डबोर्ड के, और वो कहीं मिसप्लेस हो गया है और इस तरह के पाउच में होता है। और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया और इस वजह से इस बेचारे बैग की जो है वो ऐसी हालत हो गई है और गत्ता कहीं खो गया है। तो आप इस तरीके से इस पे लिखा हुआ है, और ये स्ट्रेटनर जो है ये है रिमिंटन का। और रिमिंटन के स्ट्रेटनर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, अफोर्डेबल भी होते हैं, आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इनका रिजल्ट जो है वो किसी हाई एंड से कम नहीं होता है। तो उसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का। ये इस तरीके से पाउच में आता है और इस तरीके से आप इसकी वायर को इसमें लगा सकते हैं, और साथ में ये स्ट्रेटनर का क्लिप भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये है रिमिंटन की तरफ से कैरेटिन थेरेपी, और ये स्ट्रेटनर जो है ये कैरेटिन थेरेपी जैसा लुक देता है। ये मैंने अभी किया हुआ है, ये मैंने कल बाल जो है वो स्ट्रेट किए थे, और क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा फिजी और कर्ली हैं तो वो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा हाई हीट पर जो है बाल स्ट्रेट नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अब तक सीधे हैं और मेरे बाल जो है वो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज में भी कि कितने ज्यादा कर्ली है। ये स्ट्रेटनर का लॉक बटन है, यहाँ से आप प्रेस ऑन करते हैं और अनलॉक होता है। और ये स्ट्रेटनर का फ्रंट लुक है, यहाँ पे मेंशन हुआ है कि ये कैरेटिन थेरेपी है। और इसकी प्लेट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले तो आप इस स्ट्रेटनर को यहाँ से जो है वो अनलॉक करेंगे प्रेस करके, और ये जो है स्ट्रेटनर यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। ये यूं था, ये यूं हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें दो प्लेट्स दी गई हैं। ये प्लेट्स जो है ये सेरेमिक की बनी हुई है, जिनका क्लेम ये है कि ये बालों को तकरीबन 57% जो है वो डैमेज से प्रोटेक्ट करती हैं और ब्रेकेज से बचाती हैं, क्योंकि इनके ऊपर एडवांस सेरेमिक प्लेट्स लगी हुई हैं। अच्छा, इसकी अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल की बात करें तो ये टेम्परेचर जो है 230 डिग्री तक जाता है और 160 डिग्री से स्टार्ट होता है। इसका जो वायर है वो भी अच्छा खासा जो है वो लंबा है, तो आप आराम से जो है लेकर जा सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से ये हो गया स्टार्ट। ये दिस इज़ अ टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर, और इसका काम क्या है कि ये हीट प्रोटेक्शन सेंसर है और विच इज डिटेक्ट द मॉइस्चर लेवल एंड ऑप्टिमाइज द टेम्परेचर। और उसके बाद जो है वो प्लस और माइनस जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये बेसिकली टेम्परेचर अप और टेम्परेचर डाउन करने के लिए हैं, और साइड पे स्टार्ट का बटन भी दिया हुआ है। ये सेंसर जो है जब आप अपने टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं जो आपका डिज़ायर होता है, तो उसके बाद ये टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता और बालों के मॉइस्चर के अकॉर्डिंग रखता है। इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो 160 से स्टार्ट होता है और 230 डिग्री तक जो है वो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल जो है ये बजट में एक अच्छा स्ट्रेटनर है और आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। बिफोर स्ट्रेटनर जो है हीट प्रोटेक्शन स्प्रे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो यह है ओसिस का 3 फ्लैटरिन हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। ये स्प्रे जो है ये आपने बालों के ऊपर करना होता है और रूट्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि ईचिंग ना हो। ओवरऑल जो है ये स्प्रे बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और ये जो है मैंने 1445 रुपीज़ का लिया था। ओवरऑल इस स्प्रे के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास लॉलेन की तरफ से कैरेटिन लीव इन ऑयल स्प्रे, और ये जो है ये बेसिकली लिक्विड कैरेटिन ऑयल है, वाटर इन्फ्यूज्ड है, और ये जब आप बालों के ऊपर करते हैं तो ये एज अ हीट प्रोटेक्टन स्प्रे जो है काम करता है, और साथ ही साथ बालों को बहुत अच्छी शाइन देता है, उन्हें बहुत सॉफ्ट बनाता है। ये ऑलमोस्ट आपको 700 रुपीज़ का इजिली मिल जाएगा। ये स्प्रे जो है ये भी बिफोर स्ट्रेटनर करना होता है, लेकिन इसके साथ हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे भी करना होता है। बट इसका फ़ायदा ये होता है ये बालों के अंदर मॉइस्चर जो है उसका लेवल इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बाल जो हैं आफ्टर स्ट्रेटनर जो है फिजी नहीं होते और वो बहुत सॉफ्ट और शाइनी नज़र आते हैं। ये स्प्रे जो है ये है पोल माइकल का, और ये काफ़ी बिग बॉटल है और इसकी प्राइस जो है अराउंड 1400 रुपीज़ है। ये बेसिकली एक मॉइस्चर मिस्ट है और बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है।
इसके बाद जो सीरम है ये बेसिकली आफ्टर स्ट्रेटनर आपको अप्लाई करने चाहिए ताकि बाल जो हैं वो लीव इन सीरम की वजह से बहुत अच्छे शाइनी और सॉफ्ट रहते हैं और काफ़ी देर तक जो है वो स्ट्रेटनर का रिजल्ट जो है वो रहता है। ये है पार्मर्स का कोकोनट हेयर पॉलिशर सीरम और ये जस्ट 2-3 ड्रॉप्स आपने लेने हैं और बालों के मिड से लेके एंड तक लगा लेना होता है। और ये जो है ये अराउंड आपको मिल जाता है 1400 रुपीज़ में और ये भी काफ़ी बिग साइज बॉटल है तो ये आराम से चलती है। लॉलेन डेली हेयर सीरम फॉर वॉल्यूमाइजिंग एक्स्ट्रा लाइट और ये इसके भी आपको 2-3 पम्प्स ही सिर्फ रिक्वायर्ड होते हैं और आप इनको मिड से एंड लेंथ तक जो बालों की है वो अप्लाई कर लें। इसके बाद जो है बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की और शाइनी नज़र आते हैं और ये बहुत लाइट वेट है तो इस वजह से बालों पर बिल्कुल भी स्टिकनेस नहीं होती और वो चिपचिपे नहीं होते। तो ओवरऑल जो है इस सीरम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और ये जो है बहुत अफोर्डेबल भी है, ये जस्ट 500 रुपीज़ का है, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आई होप कि आपको आज की वीडियो आई होगी पसंद। आज की वीडियो थी स्ट्रेटनर्स के बारे में और साथ ही साथ मैंने आपको स्ट्रेटनर और सीरम्स के बारे में भी बताया जो कि बहुत जरूरी होती है अप्लाई करना ताकि बालों को डैमेज से बचाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।